बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नासिर गोंदल है। आज गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग जो है वो इस वक्त हम लोग फैसल टाउन, फैसल हिल्स और चौधरी मजीद साहब के जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके साथ हम लोग जो है वो प्रॉपर काम कर रहे हैं। उन हाउसिंग प्रोजेक्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो इस यूट्यूब चैनल के ऊपर शेयर करते हैं। और आज मैं इंतहाई शुक्रिया अदा करता हूँ चौधरी मजीद साहब का। और चौधरी मजीद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और मैं कुछ क्वेश्चन जो आप लोगों की तरफ से हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो उनसे क्वेश्चन करूंगा। और कोशिश करेंगे कि जो फैसल टाउन फेज टू है या फैसल हिल्स है उस हवाले से जो भी नई अपडेट्स हैं वो आप तक शेयर करें। बहुत शुक्रिया जी चौधरी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बड़ी इज्जत से इस्लामाबाद के अंदर आपको नवाजा है। बहुत अच्छे हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है वो डिलीवर कर रहे हैं। और हम लोग FT2 के हवाले से सबसे पहले आपसे बात करेंगे कि इस वक्त जो है वो फैसल टाउन फेज टू, आपको पता है आपका जितना हाउसिंग प्रोजेक्ट था इस्लामाबाद का सबसे ज़्यादा हाइप जिस हाउसिंग प्रोजेक्ट ने पकड़ी वो आपका FT2 था, तो उसकी डेवलपमेंट के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि कब जो है वो प्रॉपर आप डेवलपमेंट उसकी स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया गोंदल साहब। जैसा कि आपके इलम में है और हमने आपको विज़िट भी कराया था कि जो फैसल टाउन फेज़ टू है ये ना सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद का बल्कि पाकिस्तान के एक बड़े प्रोजेक्टों में इसका शुमार होता है जिसका टोटल एरिया तकरीबन 1 लाख कनाल के करीब होगा। और इसकी जो प्लानिंग है वो भी हम एक बड़े हाई टेक डिज़ाइन के ऊपर और एक 5-स्टार प्लानिंग जो है वो कर रहे हैं कि एक शहर के तौर पे ये पिंडी इस्लामाबाद को एक रिप्लेस करेगा, क्योंकि इतनी बड़ी लैंड या इतना बड़ा प्रोजेक्ट पिंडी इस्लामाबाद के करीब कहीं भी ना मौजूद है ना इतनी लैंड अवेलेबल है जितनी लैंड हमारे पास अवेलेबल है। तो इंशाल्लाह ताला इसकी हम लीगल फार्मेलिटी जो है वो कंप्लीट करके तो नवंबर में हमने ऐलान किया है कि नवंबर में इंशाल्लाह ताला हम इसकी डेवलपमेंट जो है वो शुरू करेंगे। और इसको बहुत फास्ट ट्रैक पे, क्योंकि हमने 5 साल में लोगों को ऐलान किया है कि हम प्रोजेक्ट देंगे, तो नवंबर में ही हमने इसकी अनाउंसमेंट की थी, तो 4 साल पीछे बचेंगे। लेकिन इंशाल्लाह ताला हमारा अपने मेंबर से, इन्वेस्टर से और आप दोस्तों से वादा है कि हम इसको 3 साल में इंशाल्लाह ताला 100% कंप्लीट कर देंगे। मतलब कि 4 साल के इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर लोगों को प्लॉट दिए और 3 साल के अंदर जो है वो इंशाल्लाह अल्लाह के करम से 100% इसको मुकम्मल करेंगे और इसको एक मेगा सिटी और एक नया शहर आबाद करेंगे। और उस शहर के अंदर उसकी प्लानिंग इस तरह कर रहे हैं कि हम एक डाउनटाउन बना रहे हैं जो बिल्कुल एक इंटरनेशनल, जितने जदीद शहर हैं, सिंगापुर है, दुबई है या इसमें कोरिया है, इस तरह के प्रोजेक्टों को वो का मुकाबला करेगा और दुनिया देखेगी। और उसमें एक बहुत हाई राइज बिल्डिंग है जो दुनिया की किसी भी बड़ी बिल्डिंग से आप कंपेयर कर सकते हैं, तो वो बिल्डिंग फैसल टाउन खुद बनाएगा और उसके ऊपर कोई $1 बिलियन के करीब जो है वो कॉस्ट आएगी उस बिल्डिंग के ऊपर। कितनी उसका साइज क्या होगा, कितने कनाल के ऊपर? वो टोटल एरिया हमने कोई 200 कनाल रिजर्व किया है वो सारी बिल्डिंग के लिए, तो लेकिन उसका फिर डिज़ाइन किसी इंशाल्लाह ताला इंटरनेशनल कंपनी से हम बनाएंगे, तो उसको हमारी अपनी ही कंपनी या किसी दुनिया की जो बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है उनके साथ मिलके हम बनाएंगे। जी साहब, दूसरा क्वेश्चन ये है कि इस वक्त आपको पता है कि जितने हमारे ओवरसीज क्लाइंट हैं उन्होंने एक बड़ा ट्रस्ट किया था और बहुत सारे नए क्लाइंट्स थे जिन्होंने फैसल टाउन फेज टू के अंदर आपके साथ इन्वेस्टमेंट की आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर, और हम जो मार्केटिंग कंपनी है हमने अपनी क्लाइंट्स की इन्वेस्टमेंट की, लेकिन थोड़ा सा लोग जो है वो कुछ परेशान है कि उसका रेट जो है वो अभी उस हिसाब से जैसे लोगों ने एक सोचा था या हम लोग उस वक्त कहते थे कि फौरी जो है वो प्रॉफिट की तरफ चला जाएगा, तो उसमें आप क्या समझते हैं कि कब तक फैसल टाउन फेज टू की जो फाइल का रेट है वो अच्छे प्रॉफिट में चला जाएगा? ये देखें गोंदल साहब, इसमें हमारी सोचने का अंदाज और है। हमने जितनी हमारे पास इन्वेंट्री है, हमने रेजिडेंशियल की मैं बात कर रहा हूँ उसका 50% भी अभी सेल नहीं किया, नंबर एक। जितनी कमर्शियल प्रॉपर्टी है उसका हमने एक प्लॉट भी किसी को ना सेल किया है ना बुकिंग किया है, तो उसी तरह 100% इन्वेंट्री मौजूद है। अगर हमने मेंबरों से जितना पैसा इकट्ठा किया है उससे डबल पैसा हमने अपनी जेब से, अपनी कंपनी की जेब से खर्च करके जो ज़मीन है वो खरीदी है। इस वक्त जो लैंड होल्डिंग है विद फिजिकल पोजेशन और कम्पैक्ट फार्म में, वो सिर्फ अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास है इतनी बड़ी लैंड होल्डिंग
कि कई हज़ार कनाल ज़मीन जो है वो हमारे पास मौजूद है। इंशाल्लाह ताला यूं ही इसका लेआउट प्लान मुकम्मल होगा और मुतलका अथॉरिटी से हम उसको अप्रूव कराएंगे और इसको डेवलपमेंट शुरू करेंगे। तो ये कोई 2-4-10 लाख रुपए का इसका इजाफा नहीं होता। मैं उसकी एक आपको मिसाल देता हूँ कि आज से 7 साल पहले हमने FT1 शुरू किया था, वो प्लॉट हमने 14 लाख का दिया था। आज ए ब्लॉक का प्लॉट जो है वो 1,70,00,000 से ज़्यादा है और वो डेवलप है। लोग वहाँ पे घर बनाना एक ख्वाब समझते हैं। तो इंशाल्लाह ताला जिस तरह FT1 में 30-60 का प्लॉट जो 8 मरले का प्लॉट होता है वो 1,70,00,000 का है और लोग वहाँ एक घर बनाना अपना ख्वाब समझते हैं, इसी तरह FT2 का प्लॉट भी जब हम डेवलप करके हैंडओवर करेंगे तो उसकी कीमत करोड़ों में जाएगी और वहाँ भी लोग एक ख्वाब समझेंगे। आप ये देखें कि उसकी प्लानिंग जो है वो फाइनल स्टेज के ऊपर है। इंशाल्लाह ताला 1 से 2 माह में प्लानिंग हो जाएगी, अगले 2 माह में डिज़ाइनिंग हो जाएगी और फिर हम एग्जीक्यूशन की तैयारी करके नवंबर में शुरू करेंगे। आप अंदाज़ा लगाएं कि उसकी जो मेन रोड्स हैं जितनी भी पूरी स्कीम में वो उसका हमने उसको एक जाल फैलाया हुआ है वो 350 फुट से ज़्यादा है और उसके बाद जो सेकेंड रोडें हैं वो 200 फुट से ज़्यादा हैं, फिर जो रोडें हैं वो 140 फुट हैं, फिर रोडें 100 फुट हैं, फिर रोडें 80 फुट हैं, यानी 40 फुट से रोड हमने कोई डिज़ाइन नहीं की। एक लोग होते हैं जो कागज़ों में डिज़ाइन करते हैं या सिर्फ बनाते हैं। हमने अपने लोगों से वादा किया था कि हम अपनी स्कीम में जो रोड का नेटवर्क है वो 40 फुट से लेकर वो 240 फुट तक बनाएंगे, लेकिन हमने उसमें भी 110 फुट का इजाफा कर दिया कि 350 फुट रोडों को ले गए हैं और पूरी स्कीम को सिग्नल फ्री जो है वो डिज़ाइन कर रहे हैं। हमारी आदत यह है कि हमारे ऊपर जो लोग अतबार करते हैं वो इसलिए करते हैं कि हम जो कहते हैं उससे ज़्यादा करके लोगों को डिलीवर करके बताते हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये जो FT2 है ये अपनी लोकेशन के हिसाब से पिंडी इस्लामाबाद का बेस्ट प्रोजेक्ट है। सबसे पहला इंशाल्लाह ताला आप अगर पिंडी की तरफ से जाएंगे तो पहला प्रोजेक्ट ये होगा और इस्लामाबाद की तरफ से जाएंगे तो तब भी ये सबसे पहला प्रोजेक्ट होगा, हज़ारों सोसाइटियाँ उसके आगे हैं। जैसे भी एक और इस वक्त आपको पता है पिछले 4-5 साल के अंदर बहुत नए हाउसिंग प्रोजेक्ट आए रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर और बहुत सारी इस वक्त लोगों में एक पैनिक भी है कि जो नए हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं ये प्रॉपर टाइम के ऊपर डिलीवर नहीं होंगे या बहुत लंबे टाइम के लिए चले जाएंगे। तो एक बंदा जिस बंदे ने अपने बच्चों के लिए घर बनाना है उसने कहा कि ठीक है मैं 4-5 साल वेट कर सकता हूँ, तो बाकी बहुत सारी सोसाइटियाँ इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद में, ये मैं बात करना नहीं चाह रहा था कि इस वक्त खामोश हो गई हैं या वो बाग नहीं है, वो उन चीज़ों में मैंने, आप किस क्या समझते हैं कि फैसल टोन फेज़ 2 जो है इसका जो मेंबर है आप समझते हैं कि उनमें से सबको प्लॉट वहाँ पे मिल जाएंगे, इतना रकबा इस वक्त आपके पास मौजूद है? देखिए जी, जितनी हमने रजिस्ट्रेशन की है उससे डबल ज़मीन तो आज हमारे पास मौजूद है। तो वहाँ तो लैंड तो हमारे पास, हमने पहले ज़मीन ख़रीदी है बाद में हमने रजिस्ट्रेशन शुरू की है, नंबर एक। नंबर दो, देखें ये हाउसिंग जो है ये पाकिस्तान का और दुनिया का मुश्किल काम है। ये वही लोग कर सकते हैं जिनके पास ये एक्सपर्टीज़ हो और उसके पहले उन्होंने कई प्रोजेक्ट बनाए हों, टेक्निकल एक्सपर्टीज़ भी हो, उनका विजन भी हो और उनके रिसोर्सेज अपने पास हो, ना कि मेंबरों का पैसा इकट्ठा करके वो चले जाएँ। मैं किसी सोसाइटी के ऊपर तनकीद नहीं करूँगा, जबकि हमारे बारे में पूरा इस्लामाबाद, पूरा रावलपिंडी, अटक, पूरा पाकिस्तान, पूरी ओवरसीज़ जो दुनिया है वो जानती हैं कि हमने रियल एस्टेट के 17 शहकार प्रोजेक्ट बना के डिलीवर किए हैं और जिनमें से ज़्यादा प्रोजेक्टों में लोग घर बना के रह रहे हैं और वो शहर बन चुके हैं। तो ये हमारी तो एक पास्ट लोगों के पास मौजूद है। दूसरा, हमारे पास जितनी इन्वेंट्री होती है, जितने प्लॉट होते हैं, हम उससे बहुत कम जो इन्वेंट्री है वो मार्केट में बेचते हैं और अपने पास इन्वेंट्री 10-20-30 साल के लिए रखते हैं ताकि बाद में उस प्रोजेक्ट की हम मेंटेनेंस भी कर सकें। इस यही वजह है कि हम अपने प्रोजेक्टों में जो स्टेट ऑफ द आर्ट जो चीज़ें बनाते हैं, फिर हमारे पास वो क्वेश्चन होता है, हम बनाते हैं बिजली, हम अंडरग्राउंड लगाते हैं, सीवर ड्रेन, हर चीज़ हम अंडरग्राउंड बनाते हैं, लैंडस्केपिंग से लेकर एक एक एलिमेंट के ऊपर हम बड़ा पैसा खर्च करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला जो FT2 है वो सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद का नहीं के वो तो मैं कहता हूँ एक नया इस्लामाबाद बनेगा, एक नया रावलपिंडी शहर बनेगा, बल्कि पाकिस्तान का एक खूबसूरत प्रोजेक्ट, खूबसूरत लोकेशन के ऊपर। देखें गुंदन साहब, प्रोजेक्ट तो लोग शायद 60% तो पाकिस्तान में रेशो है कि सोसाइटियों वाले नहीं प्रोजेक्ट बना सकते, लेकिन जो 20-30% बनाते भी हैं
उसको मेंटेन नहीं कर सकते, और अगर मेंटेन कर लें तो वहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं होती। कंस्ट्रक्शन इसलिए नहीं होती कि वो शहर से जो कम्युनिटी होती है वो उससे बहुत दूर होते हैं। हमारे जो प्रोजेक्ट हम बनाते हैं, हम लोकेशन के ऊपर बड़ा फोकस करते हैं। हम इस्लामाबाद के अंदर जो बड़े शहर हैं उसके अंदर प्रोजेक्ट बनाते हैं। इसी वजह से हमें जगह भी महंगी मिलती है, और फिर हमें टेक्निकल एक्सपर्टीज़ हमारे इदारे के पास मौजूद है कि जब एक प्रोजेक्ट बनेगा पानी कहाँ से आएगा, बिजली कहाँ से आएगी, गैस कहाँ से आएगी, फिर उसको आबाद कैसे करना है, आबाद करने के बाद मेनटेन कैसे करना है। आपको पता है गवर्नमेंट का पाकिस्तान में सबसे बड़ा फेलियर ये है कि अगर कोई चीज़ बन जाती है तो वो मेंटेन नहीं होती। जैसे पाकिस्तान में स्टील मिल थी, शहकार हमारा एक प्रोजेक्ट था, लेकिन गवर्नमेंट उसको लॉन्ग टर्म चला नहीं सकी, रेलवे लॉन्ग टर्म चला नहीं सकी, तो PIA लॉन्ग टर्म चला नहीं सकी। तो असल काम होता है कि लॉन्ग टर्म किसी प्रोजेक्ट को चलाना, उसकी स्ट्रेटजी बनाना। तो वो इंशाल्लाह ताला हमारा जो ब्रांड है उसके पास बेस्ट एक्सपर्टीज़ मौजूद है। हमने प्रोजेक्ट देखें जो E11-3 था, वो कब से हमने हैंडओवर किया और कितने साल से हम उसको मेंटेन कर रहे हैं, उसको चला रहे हैं। तो इस तरह हमारे जो बाकी प्रोजेक्ट हैं वो सारे हम चला रहे हैं। हज़ारों की तादाद में लोग एक एक प्रोजेक्ट में रह रहे हैं। तो हमारा माशाल्लाह हमने 40-40 हज़ार कनाल के भी प्रोजेक्ट जो है वो डिवेल्प करके हैंडओवर किए हैं। तो ये माशाल्लाह जो एक्सपर्टीज़ है ये हमारे मेम्बर और ख़ासकर FT2 के लोगों के भी काम आएगी। बहुत शुक्रिया जी। इंशाल्लाह जी चौधरी मजीद साहब से मैंने आज स्पेशल रिक्वेस्ट की है कि आपका चूँकि लाखों की तादाद में आपके मेंबर हैं, आपके चाहने वाले हैं, आपके साथ लोग जुड़े हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है आपके हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर, और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम लोग हर 10-15 दिन बाद या हर माह जो है वो चौधरी मजीद साहब के पास हम लोग आएँगे और जितनी भी नई अपडेट्स होंगी उनके हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के हवाले से वो हम लोग इस यूट्यूब चैनल के थ्रू आपसे शेयर करेंगे। फैसल टाउन फेज़ 2 के हवाले से अगर आप किसी किस्म की आप इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, वीडियो के साथ हमारा कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा है, आप हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह ज़िम्मेदारी के साथ आपको सर्विसेज देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।